सभी को मेरा नमस्कार। आज हम इंसुलिन रेसिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। एक क्राफ्ट टेस्ट क्या है जिससे हम इंसुलिन रेसिस्टेंस कितना है बोल के मालूम करने के लिए जो टेस्ट को यूज करते हैं उसको हम क्राफ्ट टेस्ट बोलेंगे, उसके बारे में मालूम करेंगे। और एक क्राफ्ट टेस्ट के जरिए से एक आदमी शुगर उसको आने वाला है या नहीं है 20 साल के पहले कैसे मालूम कर सकते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस के हेल्प से, उसकी मदद से हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मैं हूं डॉक्टर एन हरीश कुमार, ENT। तो ये जो भी है, जो वीडियो है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, डॉक्टर के सलाह का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। तो हमने इसके पहले 2 वीडियोस बनाए हैं जो एक आदमी मोटा क्यों होता है और इंसुलिन एक आदमी को कैसा मोटा बना रहा है, उसमें हमने ये पॉइंट को थोड़ा सा उसको टच किया था। अब अभी हम थोड़ा इन डेप्थ जाने वाले हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जो राइस और चपाती को हम ब्रेड, बिस्किट, केक्स, बंस, ये सबको हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, तो वो क्या है, इंसुलिन को बढ़ाएगा। और जब इंसुलिन बढ़ेगा तो एक आदमी को मोटापा आना शुरू हो जाएगा। तो ये कैसा होता है, जब एक कार्बोहाइड्रेट जब आप खाएंगे, जैसे राइस हो, चपाती हो, ब्रेड हो, वो सिर्फ क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का चेन है। जैसा ये है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का चेन, 1 2 3 4 5। तो एक एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे मोनोसैकेराइड। जब वो लिंक होता है, एक से एक लिंक होता है, तो वो बन जाता है पॉलीसैकेराइड। जो हम राइस और चपाती को खाएंगे तो राइस और चपाती पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में है हमारे पेट में। हम जब खाना खाएंगे तो वो तो पॉलीसैकेराइड है। जब अंदर पेट में जाके जब उसका पाचन होता है तो खून में जो अंदर जाने वाला है उसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का एक एक मॉलिक्यूल, जैसा सपोज यहाँ पर एक 100 मॉलिक्यूल से बना हुआ एक पॉलीसैकेराइड चेन है। जब वो पाचन में एक एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है तो एक एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल सब मिलके हमारे खून के नस में जाएगा। जब आप खून के नस में जाएगा तो क्या होगा, शरीर में ग्लूकोज, खून के नस में, खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे तो ग्लूकोज की मात्रा अपने खून में बढ़ना शुरू हो जाए। ये पर्पल वाला है आपके पेट से जा रहा है, इसमें इस फोटो में बता रहा है कि ये तो पेट से जाने वाला जो है वो जो ये पर्पल कलर का है वो तो है आपका ग्लूकोज। जैसा ग्लूकोज बढ़ना शुरू हो जाता है तो पैंक्रियास जो पेट के नीचे ही रहता है, खून के द्वारा कनेक्शन रहता है उसको, तो मालूम हो जाता है कि अरे ये आदमी ने खाना खाया है और उसका ग्लूकोज बढ़ना शुरू हो जा रहा है, खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है। तो उसके रिस्पॉन्स में पैंक्रियास क्या करेगा, अपना इंसुलिन तैयार करके भेजेगा। तो इंसुलिन, पैंक्रियास इंसुलिन को तैयार करके भेजेगा। इंसुलिन का काम क्या है, जैसे हमने वीडियो पर गए से वीडियो में देखा था, तो खून से ग्लूकोज को निकालना और पहला मजल में जो मांसपेशी में है ग्लूकोज को भेजना, और लिवर को ग्लूको लिवर के अंदर ग्लूकोज को भेजना, उसका पहला फर्स्ट काम यही होगा। उसका काम ये नहीं है कि वो फैट टिश्यू में ग्लूकोज को भेजे। यदि मसल टिश्यू भर गया है और लिवर टिश्यू भर गया है तो यदि कुछ बच गया है तो वो फैट टिश्यू में डालेगा, ठीक है। तो ये सब मालूम हमको हो गया कि जब कार्बोहाइड्रेट खाए तो इंसुलिन बढ़ता है, इंसुलिन बढ़ता है तो हमको चर्बी आते हैं, तो ये मालूम हो गया। तो इसको हम कैसा अपना दिन के दिन दिन में अपने आदतों को कैसे बदल सकते हैं। यदि आप राइस खाएंगे तो सपोज आपका इंसुलिन इतना बढ़ेगा, जैसा आप ज्वार ऐसी चीज खाते हैं तो इंसुलिन उतना नहीं बढ़ेगा। यदि आप राइस एक एक कप राइस को आप बना के खा रहे हैं, यदि उसको थोड़ा कम कर सके, आधा कर सके, और ये वेजिटेबल को ज्यादा मिला, वेजिटेबल में फाइबर ज्यादा रहता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा नहीं रहता है, तो ये आप वेजिटेबल्स बढ़ाएंगे तो उसका मतलब क्या होता है, आप कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम कर रहे हैं। जब कार्बोहाइड्रेट मात्रा कम होता है तो इंसुलिन भी कम होगा और आप मोटापे से कब बाहर आने का चांस भी है। और ये तो फोटो आप पहले वीडियो में भी देखे होंगे, जब जब एक सेल का सेल सेल में एक रिसेप्टर होता है और रिसेप्टर इंसुलिन का रिसेप्टर है, और इंसुलिन जब आता है तभी एक ग्लूकोज का चैनल खुलता है और ग्लूकोज अंदर आता है।
जब ग्लूकोज सेल के अंदर आएगा तो ब्लड स्ट्रीम खून के नस में जो ग्लूकोज है वो कम होता है। ग्लूकोज को लेवल बहुत ही टाइटली मेंटेन्ड है बोलते हैं, जैसा जितना भी हम बुक पढ़ेंगे तो बोलते हैं हमारा शरीर ग्लूकोज को एक एक टाइट रेंज में मेंटेन करना चाहता है। जैसा बिना खाए यदि आपका खून दिए तो 100 to 70 to 100 के बीच में होना चाहिए, खाना खाने के बाद 120 to 150 के बीच। आप देख सकते हैं कितना टाइट रेंज है, वो 70 से नीचे जाने नहीं देगा, 100 से ज्यादा जाने नहीं जाएगा, खाने खाने के बाद 120 से नीचे जाने नहीं देगा, 150 से ऊपर जाने नहीं देगा। तो ये है, इसके वजह से वो उतना टाइट रेगुलेशन जो भी कर रहा है वो पैंक्रियास अपने इंसुलिन की सहायता से कर रहा है। ठीक है, अभी हम आएंगे आप इंसुलिन रेसिस्टेंस के बारे में। यदि किसी आदमी के शरीर में इंसुलिन लेवल जितना होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा है, बहुत सालों से है, तो वो एक कंडीशन बना देता है, उसको बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। ये एक सिमिलर क्या है, एक आदमी को यदि एक कप काफी पी के यदि अच्छा लग रहा है, तो जैसा हम एक दिन बढ़ते जाएंगे तो उसको एक काफी बस नहीं होगा, दो काफी की जरूरत पड़ेगा। ऐसे ही यदि आप जो शराब पीने वाले कह रहे थे, तो पहले तो उसको एक बीयर बस हो जाता है, तो जैसा दिन रोज पीना शुरू करेगा तो एक बीयर से उसको उसका उसको जो भी किक आता है वो तो ठीक नहीं होगा, उसको दो पीना पड़ेगा। तो जैसा हमारा शरीर को आदत हो जा रही है, जो भी चीज को उसको कंटिन्यूअसली दे रहे हैं तो उसको आदत हो जाती है। जैसे ही इंसुलिन भी बहुत दिनों से एलिवेटेड है, ज्यादा है, तो शरीर को आदत हो जाएगा और वो इंसुलिन रेसिस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो हमने बोला है, राइस चपाती है, नहीं तो शुगर है, चाय में जो शुगर है, ये आप हर बार जैसे सुबह में हो गया टी पी लिए और आप टोस्ट क्या है बिस्किट खा लिए, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट है। फिर उसके बाद आपने सुबह में उपमा खाया तो ये हो गया टिफिन हो गया। फिर उसके बाद और एक चाय पी ली और उसके बाद आपने लंच किया, फिर उसके बाद शाम को आपने स्नैक्स कुछ समोसा ऐसा कुछ खा लिए और चाय हो गया और रात को डिनर हो गया। कितने बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 बार आप इंसुलिन को बढ़ा रहे हैं एक दिन में, इंसुलिन को आप नीचे आने ही नहीं दे रहे हैं। ये यदि आप एक ये काम करते रहे इतने सालों से, 5 साल या 10 साल करते रहे, तो आप धीरे धीरे आपके सेल्स जो है इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाना शुरू हो जाएगा। जब इंसुलिन रेसिस्टेंस कंटिन्यू होगा बिना उसे रोके, तो वो तो शुगर आने वाला है आपको, बीपी आने वाला है और हार्ट आने वाला है, कुछ लोगों में तो कैंसर तक आ सकता है। ये अगले वीडियो में हम इंसुलिन रेसिस्टेंस की जो भी खराब चीजें हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आज तो जस्ट इतना बस है। तो एक बात क्या समझना है हमको, जब कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो सबसे ज्यादा बढ़ने वाला है इंसुलिन। इंसुलिन सबसे बड़ा जिससे बढ़ता है कार्बोहाइड्रेट से बढ़ता है। जो मीडियम बढ़ेगा वो प्रोटीन जैसा, जो जैसा चिकन है, मटन है, एग है, उससे कम बढ़ेगा। और जब आप फैट खाएंगे तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो आप इंसुलिन को कम करना चाहते हैं तो फैट की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा करेंगे और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करेंगे। जो भी आप करना चाहते हैं, आप पहले तो हम अगले वीडियोस में इंसुलिन रेसिस्टेंस को जब हम कम करना चाहते हैं तो कुछ खून के टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। वो सब आप तुरंत इसमें मत जाइए, आप इसके बारे में अच्छा रिसर्च कर लीजिए, इसके बारे में अच्छा पढ़ लीजिए और इसके और मेरे हिसाब से और 4-5 वीडियो बनेंगे इसके बारे में। खून के टेस्ट भी हम बोलेंगे, वो सब खून के टेस्ट बनाइए। आप कौन से लेवल में है मालूम कर लीजिए। आपका लिपिड प्रोफाइल हो जाने दो, HbA1c हो जाने दो, जो इंसुलिन का टेस्ट होने वाला है अभी बोलने वाले हैं, क्राफ्ट टेस्ट होने दो, ये सब आप बना लीजिए। आपका ECG बना लीजिए, आपका किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, ब्लड यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब बनाने के बाद आप कौन से स्टेज में है आपको मालूम हो जाएगा। वो टेस्ट को आप क्या करेंगे, एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे और बोलेंगे भाई हम थोड़ा अपने कोई भी आप जल्दी जल्दी चेंजेस मत कीजिए, पहले सिर्फ राइस को कम कीजिए, उसको एक बार ज्वार को मिलाइए, फिर उसके बाद ये बाहर जो बार बार टी पीने का है वो बंद कर दीजिए, शाम का स्नैक्स को निकाल दीजिए, फिर जैसा जैसा आपका शरीर उसको आदत होता है सिर्फ दो ही मील्स पे आपके रोज भर दिन भर सिर्फ दो ही मील से चलाने की कोशिश करिए। ये आपको क्योंकि जैसा हम अगले वीडियोस में बोलने वाले हैं, इंसुलिन रेसिस्टेंस तो एक ही दिन में नहीं बनने वाला, इसके लिए बहुत साल लग जाते हैं, तो हमको बहुत टाइम रहेगा। ठीक है, तो आपके खून में टेस्ट में आप अभी ये वीडियो देख लिए और अभी भी कुछ करने का ऐसा नहीं है,
आप पूरा ये सीरीज को देखिए, उसके बाद आप खून का टेस्ट कीजिए, फिर उसके बाद आप एक डॉक्टर को बताइए, फिर उसके बाद आप चेंजेस कीजिए, ठीक है। लास्ट में आपको क्या है करना है, सुबह के 10 बजे को एक मील कर लेना है, उसके साथ ही चाय पीना है तो चाय पी सकते हैं, यदि आप बिना चाय के चला सकते तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद 6-7 बजे को और एक अच्छा खाना खा लीजिए, उसके साथ चाय पी सकते हैं तो उसके पहले चाय पी सकते हैं, और बंद कर दीजिए बस। ये जो भी आप 10 बजे को एक बार खाएंगे और 7 बजे को एक बार खाएंगे बस, उसके बाद 7 बजे के बाद सोने तक आप कुछ नहीं खाएंगे, जबान के ऊपर कुछ भी नहीं लगाने वाले हैं। 10 से 7 के बीच में आप कुछ भी नहीं खाने वाले हैं, 10 के पहले भी आप कुछ भी नहीं खाने वाले हैं। यदि जैसा ये हो, ये इतना स्टेज तक आने के लिए आपको 6 महीने लग सकते हैं, 1 साल लग सकते हैं, फिर भी आप ये स्टेज को आने की कोशिश कीजिए। 2 बिग मील्स अ डे, 2 बड़े खाना खा लीजिए, बिल्कुल बीच में यदि आपने कुछ भी नहीं खाया तो आप 10 बजे का खाना खा लिया है समझ लीजिए, 10 बजे का खाना खा लेंगे तो 10 बजे से लेके 2 बजे तक तो आपका इंसुलिन डाउन हो जाएगा। 2 बजे से 7 बजे तक 5 घंटे 5 आवर्स है आपकी चर्बी से इंसुलिन लेवल्स कम हो रहा है ना, तो चर्बी से फैट सेल से चर्बी फैट बाहर निकलने का चांस बढ़ जाता है, तो ये है फैट बर्निंग। तो इससे ऐसे टाइम पे जहां इंसुलिन लो होता है आप फैट बर्न कर सकते हैं। अभी 2 बजे के बाद फैट इंसुलिन लेवल्स कम ही हो रहा है कि आपने लंच खा लिया, अब लंच 2 बजे को खा लिया तो 6 बजे तक तो डाउन होता है, 6 बजे इंसुलिन डाउन हो ही रहा है कि और एक चाय और 1-2 समोसा खा लिया बढ़ गया, तो आप तो किसी भी हालत में सुबह से रात तक इंसुलिन को इतना हाई रखेंगे तो आपको इंसुलिन रेसिस्टेंस तो आएगा ही आएगा, बीपी शुगर हार्ट आएगा ही आएगा। तो ये यदि आप कर सकेंगे तो आप इससे प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। बहुत सिंपल का प्रॉब्लम, सिंपल है लेकिन एक बार उसका जो साइंस को समझ सकेंगे, क्यों हम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, एक बार समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में और थोड़ी चीजें समझ लेंगे। तो क्या होता है, मेनली जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो पहले तो लिवर टिश्यू में शुरू होता है और मसल टिश्यू में शुरू होता है, उसके बाद फैट टिश्यू में शुरू होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो भी इंसुलिन जब आके बोलेगा, इंसुलिन आके बोलेगा लिवर को कि चलो भाई ग्लूकोज आ गया है, आप इसको अंदर ले लो, ग्लाइकोजन बना के अंदर ले लो, और जो मसल में आके बोलेगा ग्लूकोज बन आ रहा है, आप ग्लाइकोजन बना के उसको अंदर ले लो, तो मसल बोलेगा नहीं मैं नहीं लूंगा, लिवर बोलेगा मैं नहीं लूंगा। तो इंसुलिन आके बोल रहा है फिर भी, जैसा क्या बोलते हैं, एक दरवाजा है जिसको आके इंसुलिन खटखटा रहा है, लेकिन दरवाजा तो खुल रहा ही नहीं है, द डोर्स विल नॉट ओपन, और ग्लूकोज तो अंदर नहीं जाने वाला है। ग्लूकोज जब अंदर नहीं जाएगा तो खून में ग्लूकोज बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो अभी तो कोई चारा ही नहीं है। इंसुलिन रेसिस्टेंस जिनको है उनका, यदि आप खाया हुआ खाना ग्लूकोज भी खाएंगे तो वो सिर्फ फैट सेल्स के अंदर ही जाने वाला है और आप मोटे ही होने वाले हैं, मोर फैट होने वाले हैं और ओबेसिटी बनने वाले हैं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो पहले तो लिवर और मसल टिश्यू ग्लूकोज को लेना बंद कर देंगे, तो इसके तो क्या करेगा पैंक्रियास, क्या करेगा पैंक्रियास, अरे भाई ये जो ब्लड वेजल है खून के नस में ग्लूकोज तो बढ़ रहा है, मैं और इंसुलिन भेजूंगा, इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है, इसको हम बोलते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया। हाइपर इंसुलिनीमिया से क्या क्या डेंजर होता है हम अगले अगले वीडियोस में एक एक करके बात करते जाएंगे। तो जब इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाएगी तो तब वो जाके जो भी ग्लूकोज है फैट बना के फैट सेल में भेज देना, उसका एक ही काम है, क्योंकि खून में तो ग्लूकोज उतना हाई नहीं रह सकता है। ओके, अभी आप एक बात आप भी देखे होंगे कि जब एक आदमी छोटा बच्चा है, जैसा 20-25 साल का आदमी है अभी, वो तो सुबह रोज बिरयानी खाएगा, ठीक है, रोज कोल्ड ड्रिंक पिएगा, लेकिन मोटा नहीं होने वाला है ये तो। लेकिन वही जैसे आदमी बड़ा हो रहा है, 30 और 40 साल तक आने वाला है, वो तो अभी एक्सरसाइज भी कर रहा है और सलाड वैसे चीज भी खाता है, ईट हेल्थी खाना भी खा रहा है, फिर भी मोटा हो रहा है, ये क्यों होता है? मतलब एक आदमी इंसुलिन रेसिस्टेंट एक साल में, 2 साल में, 3 साल में नहीं होता है, उसको इंसुलिन रेसिस्टेंट बनने के लिए 10-15 साल लग जाते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यदि हमने इंसुलिन रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ लिया है, और यदि यदि एक बात जैसे बोलते हैं ना, आप
पत्थर पे लकीर के ऊपर समझ सकते हैं, यदि एक आदमी के पेट के इर्द गिर्द चर्बी जम रही है तो आप सोच के समझो कि आदमी को इंसुलिन रेसिस्टेंट है। जितना मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, जितना मैंने लोगों को देखा है, यदि एक आदमी का सपोज 25 इयर्स में उसका पेट आना शुरू हो गया तो समझो 40 साल में उसका बीपी हाई होगा, एटलीस्ट प्री हाइपरटेंशन हाई बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा, 45 तक तो उसको शुगर आना शुरू हो जाएगा और 55 पे उसको तो हार्ट आने का चांस है। जैसा मैंने बहुत लोगों को यही फॉलो होते हुए, क्योंकि कोई भी अपना खाना तो बदलता नहीं है, जब शुगर आएगा तो थोड़ा बदलेगा, तो भी क्या है, कुछ लोग बोलते हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए 6 बार खाना पड़ेगा, तो आप हर बार इंसुलिन को बढ़ा रहे हैं तो इंसुलिन रेसिस्टेंस को तो आप किसी तरह से कम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने बहुत देखा है। तो आप एक बात मान के चलो कि आपके पेट के इर्द गिर्द यदि चर्बी जम रही है, आपको इंसुलिन रेसिस्टेंस है, आपको इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक आदमी के बेल्ट का साइज बढ़ रहा है, पहले तो यहाँ पर लगा रहे थे, अब तो यहाँ 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 जा रहा है बेल्ट का साइज बढ़ रहा है, उसका मतलब है आपको इंसुलिन रेसिस्टेंस होने का चांस बहुत है। आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम या इंसुलिन रेसिस्टेंस एक ही बात है, इसके बारे में भी हम डीप में बात करेंगे अगले वीडियोस में। तो ये तो है आपको, और उसके बारे में उसको टेस्ट कर लो, ठीक है। एक बार टेस्ट कर लो, आपको मालूम हो जाएगा आप कौन से स्टेज पे हैं, ठीक है। जैसा एक आदमी ओल्ड हो रहा है, बुढ़ा हो रहा है, एज उसका बढ़ रहा है, उसको इंसुलिन रेसिस्टेंस ज्यादा होने का चांस ज्यादा है, ठीक है। तो इंसुलिन रेसिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इंसुलिन रेसिस्टेंस कौन सी चीज है, अभी हमने थोड़ा समझ लिया है, इसको हम डिफाइन करेंगे। इंसुलिन रेसिस्टेंस इज अ रिड्यूस्ड रिस्पॉन्स टू द हार्मोन इंसुलिन, मतलब जब पैंक्रियाज से इंसुलिन बन के आता है तो नॉर्मल अच्छे नॉर्मल सेहतमंद लोगों में जब वो इंसुलिन रिसेप्टर को टच होता है तो ग्लूकोज बाहर से खून से सेल के अंदर जाएगा। वही यदि इंसुलिन रेसिस्टेंट आदमी है पैंक्रियाज से तो इंसुलिन बनता है लेकिन इंसुलिन रिसेप्टर काम नहीं करेगा, इंसुलिन सेल बोलेगा मुझे नहीं चाहिए, इंसुलिन रिसेप्टर काम नहीं करेगा। तो इतना ज्यादा ग्लूकोज यदि आपके खून में है तो भी एक भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल अंदर नहीं जाने वाला है, सेल के अंदर नहीं जाने वाला है, तब पेशेंट को डायबिटिस बोलते हैं, तब पेशेंट को शुगर आ गया बोलते हैं। लेकिन ये होने के लिए, ये प्रोसेस होने के लिए, जब एक आदमी हेल्थी है, थोड़ा इंसुलिन रेसिस्टेंट शुरू हो गया और एक डायबिटिस हो गया, 15-20 साल का टाइम मिलता है। यदि आप इस टाइम पे 6 बार खाना, चाय पीना, ये सब बार बार पीना यदि आपने कंट्रोल कर लिया तो आप ये स्टेज तक नहीं आएंगे, ठीक है। तो की फीचर्स ऑफ इंसुलिन क्या है, हाइयर ब्लड लेवल्स ऑफ इंसुलिन, हाइपर इंसुलिनीमिया जिसके बारे में हमने अभी बोला है, जब खून में आपका ब्लड शुगर बढ़ रहा है तो आपका पैंक्रियाज और ज्यादा इंसुलिन बनाएगा, ठीक है। तो वो तो हाइयर लेवल्स ऑफ इंसुलिन है और इंसुलिन काम नहीं कर रहा, जैसा इस फोटो में हमने बताया है कि ये तो काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, इसके वजह से ग्लूकोज अंदर नहीं जा रहा है और ग्लूकोज बढ़ रहा है, ठीक है। अभी हम आएंगे क्राफ्ट टेस्ट फॉर इंसुलिन रेसिस्टेंस। एक बदकिस्मती की बात है कि ये रेगुलरली हर जगह नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन इसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड समझते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस के बारे में मालूम करने के लिए। तो इसको कैसा करते हैं, आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए, एक आदमी को हम 75 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज देते हैं और उसका ग्लूकोज और इंसुलिन लेवल्स, ग्लूकोज 75 ग्राम्स ग्लूकोज देने के पहले और 2 घंटे के बाद उसको हम टेस्ट करेंगे, इससे हमको लेवल ऑफ इंसुलिन रेसिस्टेंस कौन से लेवल पे है मालूम हो जाएगा। एक ग्राफ को आप देखें, मेटाबॉलिकली हेल्थी पेशेंट को इंसुलिन रेसिस्टेंस नहीं है, पेशेंट पूरा नॉर्मल है, हेल्थी है, सेहतमंद है, जब उसको हम ग्लूकोज लोड देते हैं, ग्लूकोज लोड का मतलब जो 75 मिलीग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, इसको हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी बोलते हैं, लेकिन ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में तो सिर्फ शुगर को टेस्ट किया जाता है, क्राफ्ट टेस्ट में ग्लूकोज और इंसुलिन दोनों को टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे आदमी में जो सेहतमंद है उसका इंसुलिन और ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल रेंज में है, तो ये है नॉर्मल रेंज, नहीं तो और थोड़ा पीछे जा सकते हैं, ये है नॉर्मल रेंज, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज भी नॉर्मल है और इंसुलिन भी नॉर्मल है। ये है पहला फर्स्ट स्टेज ऑफ इंसुलिन रेसिस्टेंस, ठीक है। फर्स्ट स्टेज ऑफ इंसुलिन रेसिस्टेंस में इंसुलिन बढ़ना शुरू हो गया है, तो ये स्टेज से लेके जहां आपको शुगर, यहाँ आपको ग्लूकोज भी बढ़ना शुरू हो रहा है, आपको बहुत टाइम मिलता है, 15-20 साल मिल जाता है। यदि आप ये टेस्ट, आप सपोज एक बच्चे हैं, नहीं तो आपका एक लड़का है जो 20-25 साल का है और आपके फैमिली में बहुत लोगों को
शुगर की बीमारी है, बीपी की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, तो एक बार आप ये क्राफ्ट टेस्ट करा लो। वो लड़के का इंसुलिन बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है देख लीजिए। यदि इंसुलिन लेवल्स बहुत छोटा है तो ये बहुत कम है, ग्लूकोज लेवल्स भी नॉर्मल है, तो समझो इसको आगे चल के बीपी शुगर नहीं आने वाला है। लेकिन उसका इंसुलिन बढ़ना शुरू हो गया है तो आप समझो ये तो ये लड़का फर्स्ट स्टेज ऑफ इंसुलिन रेसिस्टेंस में है, ठीक है। तो अभी क्या है, इंसुलिन बढ़ रहा है लेकिन इंसुलिन आपके उसके बढ़ने की वजह से उसका ताकत लगा के ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भेज सक रहा है, यहां तक ग्लूकोज को सेल्स के अंदर पुश कर रहा है फोर्सिबली, ऐसा बढ़ यहां तक तो ग्लूकोज नॉर्मल है, मतलब यहां तक इंसुलिन आप देखे इंसुलिन कितना बढ़ गया, ऑलमोस्ट ये तो ऑलमोस्ट जितना रूफ को रीच करना है ऑलमोस्ट उसको रीच कर चुका है और जस्ट एक पॉइंट में रीच हो जाएगा, तब तक ग्लूकोज तो नॉर्मल रहेगा। इसका मतलब क्या है, यदि आप ग्लूकोज को टेस्ट करेंगे, सिर्फ ग्लूकोज को टेस्ट करेंगे तो आप ये इंसुलिन रेसिस्टेंस के बारे में मालूम ही नहीं होगा आपको, ठीक है। तो इफ यू टेस्टेड ओनली ग्लूकोज देन इट अपीयर्स यू आर टोटली हेल्थी एंड बट यू आर ऑलरेडी पुटिंग ऑन वेट एट दिस स्टेज। जैसा हमने बोला है, जैसा आपके पेट के इर्द गिर्द आप चर्बी जमा करना शुरू हो गया तो आप इंसुलिन रेसिस्टेंट है और ये पिक्चर दिखेगा आपको, ग्लूकोज नॉर्मल है। आप तो बहुत खुश है कि ग्लूकोज नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, मैं क्यों डरूं, ये तो पेट आ रहा है उसके बारे में टेंशन क्यों लेना है, बहुत लोग तो यही सोचेंगे। लेकिन आप यदि ये क्राफ्ट टेस्ट करके देखेंगे तो आप तो क्या है, इंसुलिन का लेवल देखते तो बेहोश हो जाएंगे आप, उतना ज्यादा रहेगा इंसुलिन लेकिन ग्लूकोज लेवल अभी भी नॉर्मल है। अगले स्टेज में क्या होता है, अभी आपको बोलेगा प्री डायबिटीज है, आपका HbA1c 5.8 है और आपका फास्टिंग ग्लूकोज 100-110 पे आना शुरू हो गया, 110-115 पर आ रहा है, तो आपको बोलेगा प्री डायबिटीज, अभी भी बोलेगा अरे भाई प्री डायबिटीज है क्या डरने की बात है। लेकिन यदि आप इंसुलिन का टेस्ट करेंगे तो प्री डायबिटीज के स्टेज में इंसुलिन इज एट इट्स ऑल टाइम हाई, इंसुलिन सबसे ज्यादा है, अभी तो सिर्फ नीचे ही जा सकता है अभी, ठीक है। और जब इंसुलिन नीचे जाता है तो क्या होगा हम बात करेंगे, तो अभी तो हम प्री डायबिटिक स्टेज में है, ग्लूकोज थोड़ा बढ़ गया है और HbA1c भी बढ़ रहा है, अब इसको प्री डायबिटिक का स्टेज आ गया है, इंसुलिन इज वेरी हाई, इंसुलिन बहुत ज्यादा है और ग्लूकोज ज्यादा होना शुरू हो रहा है, अभी ज्यादा होना शुरू हो रहा है। यहां से लेके यहां तक आपको 15 साल तो आराम से मिल जाएंगे, 10 साल तो आराम से मिल जाएंगे आपको, तो इट इज कॉल्ड प्री डायबिटिस एंड ज्यादा सीरियस नहीं है सोचेंगे, लेकिन दिस इज द वर्स्ट स्टेज ऑफ हाइपर इंसुलिनेमिया। यहाँ पर आप वजन बढ़ते ही जाएंगे और आप टायर्ड और फिटिक, दिन भर आपको फिटिक, आपको कुछ कम काम करने का मन नहीं करेगा, आपके शरीर के अंदर जो सेल्स है ग्लूकोज मिलना कम हो रहा है, आपको सोने का मन करेगा, आपको कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, तो ऐसा स्टेज को हम हाइपर इंसुलिनेमिया बोलते हैं, ठीक है। अभी भी यदि हम सिर्फ ग्लूकोज टेस्ट करेंगे तो बोलेंगे अरे भाई प्री डायबिटीज है क्या, उसके बारे में क्या उतना टेंशन लेना है, लेकिन अगले स्टेज में देखिए क्या हो गया। जैसा ये हाई ब्लड शुगर लेवल्स है, आपके बीटा सेल्स और पैंक्रियास में जहां से इंसुलिन बनता है उसको खराब करना शुरू हो जाएगा, तब इंसुलिन लेवल्स नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। नाउ इंसुलिन लेवल स्टार्ट फॉलिंग एंड एक स्टेज पे इस आदमी को और इंसुलिन की जरूरत है, लेकिन जैसे बीटा सेल्स खराब हो रहे हैं इंसुलिन लेवल्स कम होते जाएगा, ये स्टेज में बोलेगा पेशेंट को Type 2 डायबिटीज आ गया है, अभी आप जिंदगी भर इसी Type 2 डायबिटीज से जीना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप आराम से यदि आप ये क्राफ्ट टेस्ट कर लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा आप कौन से स्टेज पे है और उसके मुताबिक आप आपका एक्शन कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर सकते हैं, ओके। इंसुलिन लेवल सेट यू डायबिटीज डायग्नोस हो गया, ठीक है। तो ना ब्लड टेस्ट कैसा है, इसका मैं वैल्यूज मैं अगले वीडियो में बनाने वाला हूँ, अभी क्या है जस्ट समझ लीजिए, पहला नॉर्मल स्टेज है जब ग्लूकोज भी नॉर्मल है और इंसुलिन भी नॉर्मल है, फर्स्ट स्टेज ऑफ इंसुलिन रेसिस्टेंस है, ग्लूकोज तो नॉर्मल है लेकिन इंसुलिन लेवल्स बढ़ना शुरू हो जा रहा है, थर्ड स्टेज में फाइनल स्टेज सेकेंड स्टेज ऑफ इंसुलिन रेसिस्टेंस, ब्लड शुगर तब तक नॉर्मल है लेकिन अभी बढ़ना शुरू हो गया है, नाउ ब्लड शुगर्स आर नाउ राइजिंग, इंसुलिन इज एन ऑल टाइम हाई। जब आप प्री डायबिटीज को आप समझ सकते हैं कि इंसुलिन इज एट इट्स ऑल टाइम हाई, अभी तो नीचे ही जाने वाला है, लास्ट स्टेज में जैसा बीटा सेल्स ऑफ द पैंक्रियास, जो पैंक्रियास खराब होना शुरू होएगा बिकॉज ऑफ हाई ब्लड शुगर लेवल्स, हाई ब्लड शुगर की वजह से आपका बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास खराब होने वाला है, तो आपका इंसुलिन लेवल्स नीचे गिरने वाला है, तब आपको डायबिटीज आ गया बोल के आपको तब ग्लूकोज टेस्ट में मालूम होगा।
आप उतना तक वेट करने की जरूरत नहीं है। आप एक क्रैश टेस्ट बना लीजिए, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के लिए जाइए और आप बोलिए बिफोर फूड आप मुझे ग्लूकोज का टेस्ट भी चाहिए, इंसुलिन का चाहिए। 2 आवर्स के बाद जब आप 75 ग्राम ग्लूकोज पी लेंगे, 2 आवर्स के बाद आप आपका ब्लड ग्लूकोज टेस्ट और ब्लड का जो इंसुलिन भी टेस्ट कर लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कौन से स्टेज पे है। तो आप तो पहले ही मालूम हो जाएगा आप कौन से स्टेज पे है, इसके मुताबिक आपको राइस कम करके आप उसको कम कर सकते हैं, मालूम हो जाएगा थोड़ा एक मील से दूसरे मील तक गैप देने से ज्यादा हो जाएगा। नहीं वो भी नहीं हो रहा है तो आपको कीटो डाइट तक जाना पड़ेगा, वो सोचना पड़ेगा। ये जो भी करना है डॉक्टर को बिना बताइए मत कीजिए। ऑलरेडी आप गोलियां ले रहे हैं तो और केयरफुल हो जाना चाहिए। क्यों? मतलब यदि आपने बिना डॉक्टर को बोले, बिना दवाइयों का कुछ किए हुए आप आपका इंसुलिन रेसिस्टेंस कम करना शुरू कर लेंगे, तो इंसुलिन रेसिस्टेंस जब कम होगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स भी कम होगा। क्योंकि इंसुलिन रेसिस्टेंस जब कम होगा तो सेल्स के अंदर ग्लूकोज जाना शुरू होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कम हो जाएगा। और आपने ऑलरेडी टैबलेट ले लिया है तो उसका मतलब क्या है, ब्लड ग्लूकोज जितना मिनिमम होना चाहिए उससे भी नीचे हो सकता है, आप डायबिटिक कोमा में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लोग गोली डाल रहे हैं उसको भी करना है, आपके डॉक्टर को बता के कीजिए, क्योंकि ये आपकी जान भी ले सकता है, बहुत सीरियस चीज है। इसको छोड़ जैसे ऐसा बात करने की जरूरत नहीं है। ये जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बहुत लोगों को इंसुलिन रेसिस्टेंस के बारे में मालूम नहीं है। और इंसुलिन रेसिस्टेंस क्यों आ रहा है, ये हमको शुगर क्यों आ रहा है, जैसा अरे भाई हमारी किस्मत बुरी है हमको शुगर आ गया, नहीं ऐसी बात नहीं है। आप 20-25 सालों से रोज 6 बार आपके इंसुलिन लेवल्स को बढ़ा रहे तो आपको आज शुगर आ गया है। यदि ये बात यदि आप समझ लेंगे तो आपको कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, बहुत जरूरी बात है। आप जस्ट आपके मन में आ गया, ये वीडियो देख लिए और थोड़ा रिसर्च कर लिए और चलो हम वो बंद कर देंगे मत कीजिए, आपके जान को भी खतरा हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। हमने इस वीडियो में क्या बोला, बताया कि आपको कार्बोहाइड्रेट से इंसुलिन बढ़ता है, इंसुलिन जब ज्यादा दिनों में बढ़ा रहता है तो आदमी इंसुलिन रेसिस्टेंट बन जाता है, जब इंसुलिन रेसिस्टेंट बन जाता है और तो लिवर और मजल जो ग्लूकोज अंदर लेना है वो लेना बंद कर देगा, तो आप जो भी खाना खाएंगे पूरा डायरेक्ट फैट सेल्स में जाएगा और आप मोटे होते रहेंगे। आपको जो सेल्स में मांसपेशी में जो ताकत की जरूरत है ग्लूकोज के वजह से उसको नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से आप टायर्ड और फिटिग्ड मतलब आप आलसी फील करेंगे, आपको सोने का मन करेगा, आपको कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये है इंसुलिन रेसिस्टेंस। और इंसुलिन रेसिस्टेंस के साथ हमने क्या मालूम किया है कि हाइपर इंसुलिनीमिया, जब इंसुलिन का रिसेप्टर काम नहीं कर रहा है तो पैंक्रिया समझ रहा है अरे इंसुलिन बस नहीं है शायद और बढ़ाना है, तो ये हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है। तो क्राफ्ट टेस्ट में और एक बात क्या है समझना है कि जैसा आपका ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाता है तो ये हाई ब्लड शुगर लेवल्स आपके बीटा सेल्स ऑफ द पैंक्रियास को डैमेज करके इंसुलिन बनाने की क्षमता जो है वो कम करेगा। तो पहला स्टेज ऑफ क्राफ्ट टेस्ट में, पहला स्टेज में इंसुलिन लेवल और ग्लूकोज लेवल दोनों नॉर्मल है, दूसरे स्टेज में ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है लेकिन इंसुलिन का लेवल बढ़ना शुरू हो गया, तीसरे लेवल में प्री डायबिटिक के स्टेज में इंसुलिन लेवल बहुत ज्यादा है फिर भी अभी ग्लूकोज का लेवल थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया। प्री डायबिटिस को बहुत ही हम सीरियस समझना चाहिए कि सिचुएशन ऑलरेडी हाथ से निकल जा रही है, उसका एक ऐसा सोच सकते हैं। जैसा और बढ़ेगा तो ग्लूकोज की लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाएगा, पैंक्रियास के सेल्स खराब हो जाएंगे और इंसुलिन लेवल्स कम होना शुरू हो जाएगा और ग्लूकोज बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो आप बोलेंगे आपको डायबिटीज है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होने वाला है ये वीडियो से, एक लड़का है जिसका फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज है, यदि 20-25 साल में उसको मालूम हो गया कि अरे भाई उसका मरीज इंसुलिन बढ़ रहा है, यदि उसने उपवास लगाना शुरू कर दिया कि दिन में 2 ही बार खाऊंगा मैं, बीच में कुछ भी नहीं खाऊंगा, और हफ्ते में 2 बार उपवास करना शुरू कर, जैसे 16 आवर फास्ट कर लिया है, तो इसको तो जिंदगी भर इंसुलिन रेसिस्टेंस नहीं आएगा, जिंदगी भर सेहतमंद रहेगा, पूरा ताकत रहेगा, अपना काम ठीक से कर सकेगा और
आगे चलते चलते यदि उसने उसी तरह से दिन में दो ही बार खाना है और हफ्ते में दो बार फास्टिंग रख लेगा और ये नॉर्मल डाइट भी खा लेगा तो भी उसको कुछ नहीं होने वाला है उसको तो जैसा, लेकिन टेस्ट करते रहना है एक साल में एक बार, अरे भाई मेरा इंसुलिन लेवल नॉर्मल है या नहीं। जब तक इंसुलिन लेवल्स नॉर्मल है आप चैन की नींद सो सकते हैं। यदि इंसुलिन लेवल बढ़ रहा है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, आपके डाइट में कुछ चेंजेस की जरूरत है। भी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आप जो भी चेंजेस करने वाले हैं बिना डॉक्टर के सलाह पे नहीं कीजिए। कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। किन को जानलेवा ज्यादा हो सकता है? जो ऑलरेडी टैबलेट ले रहे हैं, शुगर के टैबलेट ले रहे हैं। यदि जितना कम होना चाहिए उससे ज्यादा ग्लूकोज लेवल कम हो गया तो डायबिटिक कोमा में जाके जान, वो पेशेंट का जान भी जा सकता है। तो इसको लाइटली मत लीजिए, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है। आप जो भी करना है पूरा ब्लड टेस्ट कर लीजिए और डॉक्टर के सलाह से ही आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।